अति दुखद है जिस दिन से सरकार को इस संज्ञान में आई थी घटना, सरकार ने संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से पेश आने के लिए कहा था। अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हुई थी। पीड़िता को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खर्चे पर दिल्ली भेजा। जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता था उसके लिए इंतजाम किए, लेकिन बहुत ही दुखद आज दिन है कि पीड़िता आज हमारे बीच में नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा मिले, गिरफ्तार हो चुके हैं और पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए आज ही गृह विभाग के माध्यम से हम संबंधित अदालत को अनुरोध करेंगे और 6 महीने से भी कम समय लगे। हम अदालत से ये भी कहें इसकी डे टू डे सुनवाई करें। पुलिस से कहेंगे कि शीघ्र चार्जशीट दाखिल करें और डे टू डे सुनवाई हो। हो सकता है कि जैसे हमारे जो न्यायपालिका में हमारे न्यायाधीशगण हैं वो भी इन मामलों में तेज़ी दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि औरैया में और मेरठ में कई जगह मात्र 5 दिन और 1 हफ्ते में भी ऐसी चार्जशीट के बाद सुनवाई होकर के सजा मिली है। तो हम अदालत से ऐसी ही सुनवाई के अनुरोध करें कि शीघ्र से शीघ्र डे टू डे सुनवाई करके इस मामले में अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दें। दरअसल अब इस मामलों को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की मनसा एकदम साफ है, हम अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी विधि सम्मत होगा उससे भी अधिक जो आईपीसी में है, हम सर्वोच्च जो सजा है उसकी मांग करेंगे।